हम मदरसा पैरा टीचर, हम आज हमारी सरकार से हमारा समान काम समान वेतन के लिए आए हैं। जो हम गहलोत सरकार को हम ये सूचना देने आए हैं कि हम पूरा वेतन चाहते हैं थर्ड ग्रेड टीचर के जितना। चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि हम आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन हमें ना ही तो परमानेंट किया गया, ना ही हमारा वेतन बढ़ाया गया है। और हम बिल्कुल बिल्कुल कम मानदे पे कार्य टीचर हैं। किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को 9 साल, और पेमेंट कितना मिलता है? सिर्फ 7202। तो उसमें गुजारा कैसे चलाएगा, कैसे चलाएगा बताइए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रहीसा बानो है। आज हम प्रदेश नेतृत्व के आदेश अनुसार राजस्थान मदरसा पैरा टीचर संघ के बैनर तले सभी जिला मुख्यालयों पर पूरे 33 जिलों में आज रैली का रूप लेकर धरना और प्रदर्शन का हमारा काम है। क्योंकि हमें विगत 18 वर्ष हो गए अल्प मानदेय पे जो मदरसा पैरा टीचर काम कर रहे हैं, ये वेल क्वालिफाइड हैं, एसटीसी हैं, बीएड हैं, बीएसटीसी है, और इनको पढ़ाने के जो फलस्वरूप जो मेहनताना मिलता ना, वो अल्प मानदेय 7200 रुपये से लेके अल्प 9075 रुपये मिलता है, जो कि राजस्थान सरकार इन पैरा टीचरों का और मुस्लिम वर्ग का खास तौर से इनका जो है शोषण कर रही है। तो हमारी आज कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन दे रहे हैं, और ज्ञापन के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियमित करें, यह हमारा मानदेय बढ़ा जाए। आज से ही हमने अनिश्चितकालीन सभी मदरसों का तालाबंदी करके आए, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम मदरसों में तालाबंदी जारी रहेगी। मैं बदरुद्दीन खान, जिलाध्यक्ष मदरसा पैरा टीचर संघ अजमेर।